दिल्ली के नजफगढ़ में एक महिला के साथ दिन दहाड़े लूटपाट की गई। लूटपाट की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि एक बदमाश ने पीछे से आकर महिला के गले से चेन खींच ली और तेजी से भागने लगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, बदमाश दूर जा चुका था। अपने बच्चे के साथ जा रही उस महिला ने बदमाश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूर भागने के बाद वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। उसके हाथ में रखा बच्चे का स्कूल बैग भी जमीन पर गिर गया। वहीं कुछ दूरी पर उस बदमाश का एक साथी बाइक लिए खड़ा था और महिला जब तक दोबारा उठकर खड़ी हो पाती, तब तक वो बदमाश अपने साथी की बाइक पर बैठकर वहां से निकल चुका था। इस वारदात के वक्त उस सड़क पर कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये सभी लोग प्रदेश में बिजली के बड़े दामों से नाराज थे और रात के अंधेरे में हाथों में मशाले लेकर सरकार से बिजली के बड़े दामों को वापस लाने की मांग करने लगे। बिजली के बड़े दामों को वापस लो, वापस लो, वापस लो। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से बिजली के बढ़े हुए दाम तुरंत वापस लेने की मांग की। इलेक्ट्रिसिटी के जो दाम बढ़ाए हैं, इससे पब्लिक बिल्कुल परेशान हो चुकी है। तो जीएसटी, नोटबंदी, तमाम पब्लिक को इतना दबा दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार पर लोगों को परेशान करने का भी आरोप लगाया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण आग की वजह से जंगल का 1400 एकड़ से ज्यादा हिस्सा जलकर राख हो गया। आशंका जताई गई कि आसमान से बिजली गिरने के बाद सूखी घास ने आग पकड़ ली, जिसने देखते ही देखते जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवाओं की वजह से आग और भड़क गई, जिसकी वजह से उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली गई, जिसके जरिए ऊपर से पानी गिराया गया, लेकिन भीषण लपटों के सामने पानी की बौछारें नाकाम साबित हुईं। आग जंगल के पास बने रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। आग से निकलने वाले धुएं ने लोगों के मकानों और सड़कों को भी ढक लिया। आग से बढ़ते खतरे को देखते हुए मकानों को फौरन खाली करने के आदेश दिए गए। जंगल में लगी आग को बुझाने का काम तेज कर दिया गया। दमकल कर्मियों ने रात के समय भी हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का अभियान जारी रखा। नासा ने मिशन चंद्रयान के लिए इसरो की जमकर तारीफ की। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ट्वीट करके इसरो में मिशन चंद्रयान की तारीफ की और उसे प्रेरणादायी उपलब्धि बताया। समाजवादी पार्टी अपने सांसद आजम खान के समर्थन में 9 सितंबर को सड़कों पर उतरकर बड़ा प्रदर्शन करेगी। गुरुग्राम के रहने वाले सुरेंद्र यादव ने स्वीडन के कालमार शहर में आयोजित समुद्र में तैराकी, साइकिलिंग और रेस प्रतियोगिताओं को जीतकर आयरमैन का खिताब अपने नाम कर लिया। राजस्थान के उदयपुर में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने दो लोगों की बुरी तरह पिटाई कर दी। यूपी के अलीगढ़ में ट्रैफिक पुलिस के एक कार चालक का हेलमेट न लगाने की वजह से चालान काटने के बाद पीड़ित कार में हेलमेट पहनकर एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाने पहुंच गया। बीसीसीआई ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर लगाया प्रतिबंध, आखिरकार 5 साल बाद हटा लिया। केवल 3 टेस्ट मैच खेलने वाले अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने बांग्लादेश के खिलाफ जारी चटगांव टेस्ट के बाद टेस्ट से संन्यास ले लिया। 483 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 18 रन के स्कोर पर ही 2 विकेट गवा दिए। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम का चांद की सतह से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर भले ही संपर्क टूट गया हो, लेकिन इसरो के मिशन चंद्रयान 2 को अब भी कामयाब ही कहा जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का करीब 95% हिस्सा अब भी अपने तय मिशन के तहत काम कर रहा है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अब भी चांद की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, यानी लैंडर विक्रम का संपर्क टूटने की वजह से इस मिशन का सिर्फ 5% हिस्सा ही उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों ने अब भी लैंडर विक्रम से जुड़ी उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं, जिसके लिए लैंडर विक्रम के संपर्क टूटने की वजह से जुड़े आंकड़ों का इंतजार किया जा रहा है और उम्मीद है कि आर्बिटर के जरिए मिली तस्वीरों से लैंडर विक्रम के बारे में पता लगाया जा सकता है।
चंद्रयान 2 से संपर्क टूटने के बाद इसरो ने अपने पहले बयान में कहा कि चंद्रयान 2 एक कठिन मिशन था, लेकिन इसरो ने अपने इस अभियान में 95% सफलता हासिल की है और अंतरिक्ष में भारत की ये एक अहम छलांग है। इसरो के प्रमुख के सिवन ने कहा कि अगले 14 दिन विक्रम लैंडर से संपर्क की कोशिश जारी रहेगी और ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। आर्बिटर अब भी अपनी कक्षा में मौजूद है जो आंकड़े भेजता रहेगा, जिससे पूरी दुनिया में काम करने वाले अंतरिक्ष एजेंसियों को फायदा होगा। इतना ही नहीं, के सिवन ने कहा कि विक्रम लैंडर से संपर्क टूटने से इसरो के वैज्ञानिक निराश जरूर हुए, लेकिन हताश नहीं है और गगनयान अपने तय समय से ही जाएगा। इतना ही नहीं, के सिवन ने पीएम मोदी की हौसला अफजाई की और कहा कि पीएम मोदी शक्ति और प्रेरणा के स्रोत हैं और उनके शब्द उत्साह बढ़ाने वाले हैं। We have that the flagship program that is Gaganyaan project. It is we are working very seriously to get the first unmanned flight by end of 2020. Whatever happened today is not going to affect any of the ongoing activities. Now, Prime Minister is always the great the source of strength and inspiration for all of us, and that his words were really was encouraging. And when we people are slightly down with that untoward incident towards the end of the landing phase, but his words really put us back in the track. करोड़ों लोगों की उम्मीदों को लेकर 47 दिनों की यात्रा के बाद चंद्रमा की सतह पर उतरने के दौरान आखिरी कुछ पलों में चंद्रयान 2 का संपर्क टूट गया। इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने बताया कि शनिवार तड़के लगभग 1:38 पर विक्रम लैंडर 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ा। 1:50 तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन और विक्रम लैंडर योजना के हिसाब से ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इसरो के कंट्रोल सेंटर में सन्नाटा छा गया और हर किसी के चेहरे पर तनाव दिखने लगा, जिसके बाद इसरो अध्यक्ष के सिवन ने इसरो के कंट्रोल रूम में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंद्रयान 2 के बारे में कुछ जानकारी दी और थोड़ी ही देर बाद इसरो ने बताया कि चंद्रमा की सतह से महज 2.1 किलोमीटर पहले अचानक विक्रम अपने निर्धारित रास्ते से थोड़ा हट गया और उसका संपर्क टूट गया। Only that final phase, only that we could not demonstrate properly by the time that we lost the communication. So that way, that also I would say that it is as 90-95% of the technology demonstration already we have done. So in total, the Chandrayaan 2 mission, it is very close to 100% success. इसरो ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा को भी कई बड़े मिशन में असफलता मिली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 27 जनवरी 1967 को कैप कैनेडी में रिहर्सल के दौरान अपोलो 1 हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। 28 जनवरी 1986 को स्पेस शटल चैलेंजर उड़ान भरने के 3 सेकंड बाद ही हादसे का शिकार हो गया था। स्पेस शटल चैलेंजर के हादसे के बाद नासा ने स्पेस कार्यक्रमों में नए तरीके से काम करना शुरू किया था। फरवरी 2003 में अंतरिक्ष से अभियान पूरा कर पृथ्वी पर लौटते वक्त अंतरिक्षयान कोलंबिया हादसे का शिकार हो गया था। कोलंबिया हादसे में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। इटली के पास एल्प्स के पर्वतों पर 2 भाइयों ने खतरनाक चोटी पर चढ़ने का कर्तव्य। उन्होंने एल्प्स की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर बिना सेफ्टी बेल्ट के चढ़ने का कारनामा किया, जिनमें शामिल एक आदमी तो चोटी के बहुत ऊंचे और नुकीले हिस्से पर चढ़ गया। वहां से नीचे सिर्फ बादल दिखाई दे रहे थे, नीचे झांकना भी बहुत डरावना था। इसके बावजूद वो बिना डरे ऊपर पहुंच गया। कुछ देर बाद स्टंटमैन चोटी के बेहद संकरे रास्ते पर चलने लगा। चौड़ाई इतनी कम थी कि जरा सी चूक उसे सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिरा सकती थी, लेकिन वो हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ता रहा। इस स्टंट के दौरान उसने रस्सी का सहारा नहीं लिया। कुछ देर बाद स्टंट दिखाने वाले दोनों भाई एक बर्फीली चोटी पर चलते नजर आए। कई फीट बर्फ के बीच उस चोटी पर चलना जान जोखिम में डालने जैसा था। यहां उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए रस्सी का इस्तेमाल करना पड़ा। उनके स्टंट का वीडियो हेलमेट में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। बाद में उन्होंने एल्प्स के पर्वतों पर स्टंट करने वाले कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किए। लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले के बाद इमारत की सफाई की गई।
लंदन में 5 सितंबर को भारतीय उच्चायोग पर पाकिस्तानी समर्थकों के अंडे और पत्थर से हमले के बाद भारतीय मूल की लंदन की हाई कमिश्नर रुचि घनश्याम ने अपनी टीम के साथ पूरे दफ्तर की इमारत की सफाई की। दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके के एक रेस्टोरेंट पर आबकारी विभाग ने छापा मारकर वहां बिना इजाजत पिलाई जा रही लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद की। बुंदेलखंड के महोबा में पानी को लेकर दो पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी बरसाई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जारी बयानबाजी के बीच सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को दिल्ली तलब कर राज्य में जारी अनुशासनहीनता पर चिंता जताई। ये प्रदेश के बारे में राजनीतिक चर्चा हुई है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी है। ये आईडिया डालो यार, जो अनुशासन था ये मुद्दे सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में कृषि परीक्षण केंद्र से 80 कड़कनाथ मुर्गे चोरी होने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जम्मू कश्मीर के वुसान में आतंकियों के खिलाफ सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना के जवान असलम खान की अचानक नदी में गिरने से मौत हो गई। राजस्थान में लगातार बारिश से चंबल नदी के उफान पर आने के बाद कोटा बैराज डैम से 1,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट में शानदार योगदान के लिए उन्हें उचित विदाई का हकदार बताया। श्रीलंका क्रिकेट टीम के कई सीनियर खिलाड़ियों ने सितंबर अक्टूबर में होने वाले पाकिस्तान दौरे पर जाने से इनकार कर दिया। श्रीलंका में चल रहे अंडर 19 एशिया कप के लीग मैच में भारत ने पाकिस्तान को 60 रन से हरा दिया।